राय के फसी साहब को रिजिग्नेशन के बोले, उन्होंने पार्टी को बोले मैं नहीं करता हूँ, कोई बात देखिए आपको जानते हैं, वक्फ बोर्ड एक बोर्ड है जी, गवर्नमेंट का नहीं है, वक्फ बोर्ड बोर्ड है, अपॉइंट किया गया है, वो बोर्ड फैसला करेगा हमारे हाथ में पार्टी। जो भी जिम्मेदार आदमी, आज तक मैं बात नहीं कर रहा आप हमेशा लोगों की जिम्मेदारी है, आप सबसे जो बात बोलते बहुत सोच समझ पकड़ लो, जो हुआ हुआ, मगर जानते हैं क्या है क्या है, कमजोरी तरीके से इंक्वायरी है, तेलंगाना पुलिस नंबर वन तरीके से इंक्वायरी करती है, उसके अंदर जांच पड़ताल कर रही है, और फरहान आनंद साहब ने एक एक बार बता दिया है, एक एक टाइम टेबल के हिसाब से तरीके से डिफरेंट हमारी मुबारकबाद देता हूँ, और ऐसे कामों से हमें बहुत नफरत है, बहुत दुख भी होता है, और इसके लिए हम यही चाहेंगे, नौजवान जो होते हैं हमारा देश का भविष्य होता है, हमारे स्टेट का भविष्य होता है, वो किसी ऐसे काम में ना जाए, और कोई ऐसी काम होता है उसका हमें भी दुख होता है, आने वाले टाइम पे जिस तरह जहाँ हो सके नौजवानों को अच्छी सी तरबियत देंगे, चल अच्छे से आप मीडिया के आदमी आप जानते हैं, ज़माना एडवांस हो चुका है, लोगों के पास फ़ोन आ चुके हैं, व्हाट्सएप आ चुके हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। देखिए मैं हम तमाम पेरेंट्स से अपील करना चाहता हूँ, बच्चों पे आप अच्छी नज़र रखना चाहिए, अपने बच्चों और बच्चियों पर दोनों अगर फ्रीली फिरते रहेंगे, फ्री रहेंगे तो डेफिनेट उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, आने वाले टाइम पर इस तरह किस तरह हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ज़रूर कंट्रोल करने की कोशिश। पुलिस डिपार्टमेंट क्या करेंगे? पुलिस डिपार्टमेंट एक और सी टीम बनाई गई, आप बताइए हिंदुस्तान में कहाँ है भरोसा सेंटर बनाया गया, सी टीम बनाया गया, उसी तरह उनसे हम एक मीटिंग करेंगे सी टीम वालों से, किस तरह इसको और कंट्रोल करने के लिए हम क्या हिम्मत मिले अख्तियार करना चाहिए, ज़रूर करेंगे। देखिए दोस्त दुश्मन, देखिए पुलिस के पास दोस्त दुश्मन रिश्तेदार नहीं होता, जो गलती करता है उसको सजा देते हैं, इसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट कभी भी नहीं सोचता कि कौन हमारे दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन पॉलिटिकल है, कौन नॉन पॉलिटिकल है, सब एक साथ बर्ताव रहता है, ऐसा पॉलिटिकल अलग रहता है। एक न्यूज खाली वायरल हो रहा है कि फसी साहब को रिजिग्नेशन के बोले, उन्होंने पार्टी को बोले मैं नहीं करता हूँ, कोई बात देखिए आपको जानते हैं, वक्फ बोर्ड एक बोर्ड है जी, गवर्नमेंट का नहीं है, वक्फ बोर्ड बोर्ड है, अपॉइंट किया गया है, वो बोर्ड फैसला करेगा हमारे हाथ में। Thank you.